दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 100 डेज, हम और फरिश्ते फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं 100 डेज फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 100 डेज सन 1991 में आई एक रोमांटिक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, मुनमुन सेन, जावेद जाफरी, अजीत वचानी, जय कलगुटकर, विजय अरोरा, नीलम मेहरा, सबीहा, लक्ष्मीकांत बर्डे, शिवाजी सतम, शशि किरण और महावीर शाह नजर आए थे। इस फिल्म को पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था जय मेहता ने और इस फिल्म की कहानी देव ज्योति रॉय ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भूषण बनमली ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक राम लक्ष्मण ने दिए थे और इसके लिरिक्स रविंद्र रावल और देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म को 31 मई सन 1991 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,10,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 4,60,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म अपने पहले दिन में 6,00,000 कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 54,00,000 कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 6,00,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1991 की 11वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं फरिश्ते फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फरिश्ते सन 1991 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, रजनीकांत, जयप्रदा, स्वप्ना, सदाशिव अमरपुरकर, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र नाथ, ए के हंगल, बीना बनर्जी, गुड्डी मारुति, बॉब क्रिस्टो, मनिक ईरानी, विजू खोटे, टॉम अल्टर और दिनेश हिंगू नजर आए थे। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी अनिल शर्मा और शब्द कुमार ने लिखी थी और इस फिल्म को सत्ती शौरी ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे। इस फिल्म को 22 फरवरी सन 1991 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 3,60,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3,62,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 11,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 68,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 4,80,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1991 की 23वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं हम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हम सन 1991 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, किमी कटकर, दीपा साही, शिल्पा शिरोडकर, संजना, डेनी डेंजोंगपा, सुमैया वीरानी, अनुपम खेर, कादर खान, रोमेश शर्मा, अन्नू कपूर और दीपक शीर के नजर आए थे। इस फिल्म को मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था रोमेश शर्मा ने और इस फिल्म की कहानी रवि कपूर ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स कादर खान ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म को 1 फरवरी सन 1991 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 3,18,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 9,25,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 18,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1,20,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 16,80,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1991 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में से अमिताभ बच्चन, गोविंदा और रजनीकांत की फिल्म
हमने बाजी मारी थी। दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।